68 एकड़स डैम वाटर टच 12 महीना पानी भरा हुआ रहता है। ये मई के मंथ एंड का वीडियो, अभी आप देखिए पूरी जगह में अभी भी डैम को लग के पानी भरा हुआ है, और बारिश में तो इसमें और ये 4 गुना हो जाता पानी, मगर समर वैकेशन में भी ये पूरा भरा हुआ रहता है। पूरा सामने मस्त व्यू है, पूरा ब्यूटीफुल जगह के उस साइड। फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने जॉइंट वेंचर में जगह ली हुई है। ये पूरा ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। तो ये 68 एकड़ जो है पूरी डैम वाटर टच सिंगल ओनर की प्रॉपर्टी है, सिंगल ओनर दिख रहा है आपको पूरा। इतना पानी बहुत कम मिलता है जगह ऐसा, और ये थाना से खाली 80 किलोमीटर्स पे है, मुंबई से करीब करीब 100 किलोमीटर्स है। तो बहुत ही प्यारा सा लोकेशन, पूरी लाल मिट्टी वाली जगह है। आप खाली पानी देखिए, पानी इतना ज़बरदस्त पानी है जगह के अंदर, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है। ऐसी कम चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन, अपन अभी जगह के अंदर जाएंगे, आपको जगह का भी मैं दिखाता हूँ पूरी। ये जगह पूरी पूरी टेबल लैंड है, पेड़ों से भरी हुई है, पूरा जेसीपी से इनको लेवल किया गया हुआ है, और पूरी जगह के साइड में उसका चरी, हमारे भाषा में चरी और उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री को खड्डा मार के रखा हुआ पूरी जगह के साइड में, ताकि अपनी जगह डिमार्केशन समझ में आ चुके। आप देख रहे हो पूरी जगह का वीडियो मैं ले रहा हूँ। इसके अंदर आम के पेड़ भी है बहुत सारे, महुआ के भी है, नॉर्मल भी है, और डैम तक जाने वाला रास्ता भी है। ये स्टेट हाईवे से करीब कुछ रहेगी 5 किलोमीटर है, और स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन से 8 किलोमीटर पे है। बड़ा बहुत बड़ा मार्केट है, बैंक भी है उधर। इस जगह के अंदर ऐसा बहुत बड़ा एक गोडाउन भी बनाया हुआ है, 2 बंगलो है। तो 68 एकड़ सिंगल ओनर जगह मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी 12 महीना डैम को लग के। तो प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्ट्रेस में है, इसके लिए डैम वाटर टच प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल रही है। मुंबई से 100 किलोमीटर के रेडियस में खाली ये जगह है। तो आप देखिए जगह के अंदर पूरा, आज मई के मंथ में भी पूरा पूरा पेड़ों से भरी हुई है जगह। तो आप और वो भी ग्रीन, तो आप समझ में आ जाएगा कि आपको जगह के अंदर पानी कितना है। ये बाकी ये रास्ता डैम की तरफ जा रहा है, अपन जगह के अंदर ही है अभी भी, पूरा सिंगल ओनर। और इधर आप तो खेती वेती अगर करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि पानी ज़बरदस्त है, लाल मिट्टी है, पूरी टेबल लैंड की हुई जगह है, स्टोरेज के लिए बहुत बड़ा गोडाउन भी बनाया हुआ है उन्होंने। मैं आपको गोडाउन का भी एक व्यू दिखाऊंगा आपको। अभी तो फ़िलहाल आपको 68 एकड़ के अंदर ही पूरी जगह का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ये सामने देखिए ये गोडाउन था, आपको उसको भी एक उतर के गोडाउन की तरफ थोड़ा क्लोजअप लुक भी लेके जाऊंगा आपको। तो चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती है, और वो भी मुंबई से खाली 100 किलोमीटर्स के रेडियस में। और उससे बड़ी चीज़ है रीसेल, रीसेल प्रॉपर्टी, मतलब सिंगल ओनर, कोई झंझट नहीं कुछ नहीं, पूरी जगह लाल मिट्टी वाली, डैम को लग के माउंटेन वैली व्यू को लग सामने,
और फिल्म स्टार जब सुनील शेट्टी जी अगर जो प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में लिया है इन्होंने, जब वो डेवलप करेंगे तो इस जगह के रेट पता नहीं मेरे को किधर के किधर पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब इन्वेस्ट की इधर से आप बंगलो प्लॉट्स भी काट के अगर बेचोगे साथ में लेके, तो बहुत अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। क्योंकि इसका मेन तो क्या है, टेबल लैंड हो चुकी है, या कोई भी 5 जन 6 जन मिलके 10 10 एकड़ का प्लॉट ले सकते हैं। तो लाल मिट्टी पानी भरी हुई जगह बहुत रेयरली मिलती है, सिंगल ओनर की लाइट के साथ में। जगह के अंदर एक बावड़ी भी था, तो वो तो बहुत अभी धीरे धीरे पानी भर भर के मिट्टी आके बारिश का वो भर गई है, मगर पानी उसके अंदर इतना था कि 10 12 फुट पे पानी रहता था हरदम रेगुलर, इतना पानी था। तो उसका बावड़ी का बाहर से उसका भी एक व्यू दिखाऊंगा। अभी मैं उतर रहा हूँ, वो गोडाउन जो है गोडाउन के अंदर जा रहा हूँ। आप एक गोडाउन का भी आप देख लीजिए, बहुत खर्चा करके ये बहुत बड़ा गोडाउन बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखिए। तो आपको कोई भी स्टोरेज या कोई फैक्ट्री डालना है तो रेडी टू मूव है, लाइट आया हुआ है जगह के अंदर पूरा। शाहपुर असंगाव रेलवे स्टेशन से करीब करीब मेरे ख्याल से ये कुछ 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर्स असंगाव रेलवे स्टेशन, जिधर से डायरेक्ट CST से असंगाव की ट्रेनें छूटती है हर एक एक घंटे में। अपन अभी ये गोडाउन का एक थोड़ा व्यू दिखाने के लिए अंदर लाया हुआ है। पूरा RCC कंस्ट्रक्शन है, ऊपर छपरे नहीं है, पूरा RCC कंस्ट्रक्शन। आज एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतना बड़ा गोडाउन जगह के अंदर मिलना, इतना खर्चा किया हुआ। अपने को अगर बनाने को तो बहुत टाइम लग जाता था, इसको अभी क्या थोड़ा कलर दरवाजे वगैरह लगा लिए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा ये जगह। और ये सॉरी गोडाउन भी आपको थोड़ा बाहर से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ, आप देख रहे हो बाहर से भी व्यू, बहुत प्यारा सा जगह है। जगह 68 एकड़ में पूरा गाड़ी में घुमा हूँ मैं, तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि जगह बहुत ऊपर नीचे पहाड़ है, ये है पूरी गाड़ी जगह के अंदर आराम से घूम सकती है। मैं भी आपको लेके जाऊंगा डैम की तरफ वापस, जो आपने स्टार्ट किया था डैम का उधर ही वापस लेके जाऊंगा। ये पूरी देखो पत्थर की कंपाउंड देखो, इसको जो गोडाउन बनाए ना उसको बाहर से इन्होंने पूरा पत्थर का कंपाउंड किया हुआ है। ये गोडाउन के बाहर वाला एरिया है, आपको एक बंगला का भी ये व्यू दिखा दूंगा। ऐसा है, फिलहाल अपन चल रहे आगे, जगह के अंदर ही देख रहे हो आप पूरा सब चीज़ें। 100 किलोमीटर के रेडियस में बहुत प्यारा सा लोकेशन है ये। आने वाले टाइम में अभी नागपुर हाईवे का काम चालू हो चुका है, आप आओगे तो आपको नागपुर हाईवे भी दिखा दूंगा। तो शाहपुर में आज के तारीख में बहुत बड़ा डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, रोड्स तो अच्छे खासे बन चुके हैं, बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है। नागपुर हाईवे, कालू डैम, ये देखिए इधर से डैम दिख रहा है अपने जगह से। मैं आपको लंबा नज़दीक से तो मैंने आपको एक वीडियो दिखा दिया है, लंबे से आपको ये दिखा रहा था कि डैम इधर से भी दिखता है ऐसा करके। तो आए शाहपुर में, ये देखिए दूसरा बंगला जो मैं आपको बताया था, बंगले का व्यू है, सब पूरा RCC कंस्ट्रक्टेड बंगला किया हुआ है। आपको थोड़ा कलर और दरवाज़ा वगैरह मार के करना है पूरा, तो बहुत प्यारा सा लोकेशन है ये। आपको अभी ये बावड़ी भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बावड़ी है जो ऊपर से पानी है, बारिश में आके आके भर चुकी है।